व्यास जी ने कलम चलाई, समाज को ये जितना भी कुछ बोला जाता है ना, उस वो सब व्यास जी की कलम के अंदर अंतर्गत आता है, बाहर कुछ होता नहीं। हम सब व्यास का झूठा बोलते हैं, लेकिन उनको फिर भी अपने मन में शांति नहीं मिली। ऊर्ध्वाहो ब्रह्म्येश न च कश्चित् शृणोति माम्। ऊर्ध्वाहो ब्रह्म्येश न च कश्चित् शृणोति माम्। वो कह रहे कि मैं ऊपर बाह करके उठा उठा के चीखता रहूं, चिल्लाता हूं, पर मेरी कोई सुनता ही नहीं। ऊर्ध्वाहो ब्रह्मी एष न च कश्चित् शृणोति माम्, मेरी कोई सुनता नहीं है। मैं कहता हूं धर्माधर्त काम मोक्ष सधर्म किम न सेव्यते। धर्म से अर्थ कमाओ और अर्थ से फिर अपनी सदकामनाओं की पूर्ति करो, और उसके बाद उनसे वैराग्य लेकर के धर्मात अर्थ काम मोक्ष, जो मोक्ष तक को प्रदान करने वाला है, उसे सेवन नहीं करके आदमी अपना ठौर झंझटों में बना रहा है। स धर्म किम न सेव्यते, उस धर्म का सेवन क्यों नहीं करते हो। मैं ऐसा कह कह के मर गया लेकिन मेरी किसी ने सुनी नहीं। अपनी कुटिया में दुखी थे व्यास जी, और पता है गीता का जो प्रथम अध्याय है उसका नाम रखा व्यास जी ने अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। विषाद हमारे जीवन में, विषाद सबके जीवन में है, लेकिन विषाद यदि किसी संत के सामने प्रकट हो जाए और विषाद की विषाद में से प्रसाद निकल सकता है, लेकिन कोई संत मिल जाए तो, यदि संसार के हाथों लग गया तो विषाद में से विष निकाल देंगे, वो प्रसाद नहीं, विषाद में से विष निकाल देंगे। और यदि किसी महापुरुष को यदि विषाद में हमारी श्रद्धा की और विश्वास की पुकार होगी तो संत का अवतरण हो जाएगा। और विषाद में हमने संसार को पुकारा तो संसार जीवन में आ जाएगा और उसमें से विष निकाल करके दे जाएगा। पहले ही विष बहुत शेष था, विष कन्या के दंश का, पहले ही विष बहुत शेष था विष कन्या के दंश का, उस पर हमने और चूम ली, एक रूप की हीर कनी पीर हो गई और घनी, पीर हो गई और घनी। तो व्यास जी के मन में जब ये विषाद उत्पन्न हो रहा था तो उस पुकार से, विषाद की पुकार से अर्जुन के जीवन में जब विषाद उत्पन्न हुआ तो वहां परमात्मा प्रकट हुआ गुरु के रूप में। व्यास जी के मन में विषाद उत्पन्न हुआ तो वहां महात्मा प्रकट हुआ नारद जी के रूप में, वहां कृष्ण के रूप में और यहां नारद जी के रूप में। अपना विषाद सुनाया, फिर नारद जी ने कहा कि आपने जो पुराण महाभारत ये लिखे हैं इसमें यमुना जी ज्यादा भर दी हैं, और यमुना जी की धारा ज्यादा हो जाए तो श्यामलता ज्यादा हो जाती है, श्यामलता कालापन ज्यादा हो जाएगा, और जहां कालापन ज्यादा हो जाए तो उसमें फिर आदमी उंगली छुवाने से भी डरता है, पीछे हटता है। इसलिए आप एक ऐसा ग्रंथ का निर्माण करो
ऐसे ग्रंथ का निर्माण करो जिसमें श्यामलता कम हो धवलता ज्यादा हो। राम भगति जहां सुर सरधारा, जिसमें भक्ति की धारा ज्यादा हो। जिस महाभारत क्या है, राजनीतियों का पिटारा है, महाभारत राजनीतियों का पिटारा है। और ग्रंथ क्या है, विधि और निषेध के पिटारे हैं। बोले अब आप इन सब से हट करके धवल धारा जिसमें भक्ति की धारा बहती हो ऐसे ग्रंथ का निर्माण करो, और मेरा संकल्प है कि वह ग्रंथ तुम्हारा पूरी दुनिया की समस्याओं का समाधान करेगा और जगत का कल्याण करेगा और दुनिया में प्रसिद्ध होगा। व्यास जी ने कहा क्या करूं बताओ, तब नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत सुनाई और कहा कि इसका अब विस्तार करो। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, उन्होंने चार श्लोक में से और 18,000 श्लोकों का निर्माण किया और उसी का नाम पड़ा श्रीमद् भागवत महापुराण। पुराण नहीं, महापुराण।